हाय गाइस, वेलकम टू शो मी ब्लॉग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सी बेस फिश। इसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब सी बेस फिश लिए हैं और इसे अच्छी तरह से वॉश करके नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट करके रख दी। एक लार्ज पोटैटो ली है मैंने और ये है हाफ बॉइल्ड यम। हाफ बॉइल्ड यम मैंने लिया है यहाँ पे फिंगर चिप्स की तरह कट करके। और यहाँ पे है 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर, जीरा और हल्दी पाउडर और ये है ग्रीन चिली, नमक स्वाद अनुसार। एक मीडियम साइज टोमेटो को डाइस करके कट कीजिए। अब हमें फिश को अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मस्टर्ड ऑयल पे। और मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे लिए है यहाँ पे 1 टेबलस्पून, क्योंकि मैं नॉनस्टिक पे कुक कर रही हूँ आज, तो ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है नॉनस्टिक पे, इसलिए मैंने थोड़ी सी ऑयल ली है। और देखिए ये फिश हम लोग अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई कर चुके हैं, अब मैं दूसरी साइड से फ्राई कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही फ्राई कीजिए। फिर वही ऑयल में मैं थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल ऐड करके मैं ये जो बॉइल्ड यम है मैं एक एक करके सब डाल दूंगी, फिर इसे सॉटे करूंगी। और मैं यम डालने के बाद मैं फ्राइड पोटैटो, जो रॉ पोटैटो आपको दिखा है, वो जस्ट हल्का सा ऑयल में भून के अलग से मैं वो पोटैटो को डाल दे रही हूँ। और ये यम हाफ बॉयल है क्योंकि यम को बॉयल्ड होने में पोटैटो से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बॉयल पहले से ही करके रखे थे नमक के साथ। फिर मैं टोमेटो ऐड कर दी। आप ध्यान में रखिए कि ऑयल आपके अच्छी तरह से हीट हो जाने चाहिए, फिर आप सब कुछ डालिए। अब मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दी, फिर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी, नमक ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार। और आप ग्रीन चिलीज़ को आप ज़्यादा या कम कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं ग्रीन चिलीज़ डाल दूंगी। फिर मैं थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी 1 टीस्पून। आप ये स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है तो मैं ज़्यादा डालती हूँ, आप कम या मुझसे भी ज़्यादा डाल सकते हो, इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए जब तक कि ना मसाला का कच्चापन चला जाए। जब तक फ्राई 7 से 8 मिनट तक मैंने फ्राई की। देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, मसाला अच्छी तरह से सब कुछ, मतलब पोटैटोज़ और याम में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। और आप कॉन्स्टेंटली आप स्टर करेंगे ताकि आपके नीचे से मसाला बर्न ना हो जाए। फिर ये आप जो देख रहे हैं ये ड्राई आमचूर है नमक के साथ, कच्चा आम की नमक को नमक के साथ जो बनाते हैं उसे आमचूर कहते हैं, आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके बोल रही हूँ। और मैंने ये 100 ml के करीब वाटर डाल दी हूँ, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर है। फिर मैं अच्छी तरह से इसे अमचूर को और पानी को अच्छी तरह से सब मसाला के साथ मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और फिर इसे ढक के बॉईल कीजिए जब तक कि ना पोटैटो सॉफ्ट हो जाए और यम भी। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद मेरी पोटैटो बॉईल हो चुकी है। अब मैं फिश देखे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। और ये देखिए ये तैयार हो चुकी है मेरी डिश, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। आप एक बार प्लीज़ ये नई रेसिपी ट्राई करके देखिए, इट्स रियली डिलीशियस इन टेस्ट, सो प्लीज़ ट्राई इट एंड लेट मी कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। सो ये अब तक के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करेंगे
फिर आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फिर ऑल की ऑप्शन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आप प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक इट, ओके, और शेयर कीजिए।